से चुनाव लड़ सकती। इस वक्त की बड़ी खबर सूरत हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। आपको बता दें सूरत में सड़क हादसा हुआ था जिसमें अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीड़ित परिवार से संवेदना है तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और दुख जाहिर किया है सूरत हादसे पर। सूरत में भीषण सड़क हादसा हुआ था रात के वक्त 1:30 बजे और इस बीच पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है क्योंकि वहां पर एक बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को रौंद दिया था जिसमें अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मुआवजे का ऐलान भी हुआ है, पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो पीएमओ इंडिया की तरफ से यानी कि पीएम दफ्तर की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। और सूरत में रात के 1:30 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक ट्रक ने 18 लोगों को कुचला था। ये सभी लोग राजस्थान के रहने वाले थे, फुटपाथ पर सो रहे थे और पहले ट्रक की डंपर से टक्कर होती है, उसके बाद ट्रक बेकाबू हो जाता है और अनियंत्रित होकर 18 लोगों के ऊपर चढ़ जाता है जिसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जो लोग अस्पताल ले जाए जाते हैं बाद में 3 लोगों की मौत होती है, तो मौतों का आंकड़ा 15 है जबकि अभी 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है और मुआवजे का ऐलान किया है। ये दुखद खबर गुजरात के सूरत से सामने आई थी जिस पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया है और मुआवजे का ऐलान किया है। जो लोग मृतक है उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये सभी लोग जो मरने वाले हैं ये राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले थे, मजदूर तबका था जो रात के वक्त काम करने के बाद वहीं पर फुटपाथ पर सो रहे थे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो हादसा हुआ उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और ये बात सामने आई थी कि जो ट्रक का ड्राइवर था वो नशे में था और नशे में होकर वो 15 लोगों की जान ले लेता है, 18 लोगों को ट्रक रौंदता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है, पीएम दफ्तर की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। गुजरात के सूरत में रात के 1:30 बजे यह हादसा होता है जिसमें एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित हो जाता है डंपर से टक्कर के बाद। बंगाल में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी का